वेलकम टू द चैनल एवरीवन। पिछले दो व्लॉग्स में हमने दिल्ली से मानीला तक की जर्नी को कवर किया और रास्ते में गिरजा माता का जो मंदिर है जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के एरिया में पड़ता है वो भी हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग पहुंच गए हैं मानीला जो कि उत्तराखंड में एक हिल स्टेशन है, एक अनएक्सप्लोर्ड और एज वी से इट लेस एक्सप्लोर्ड हिल स्टेशन है जहाँ पर अभी बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने अपना गेस्ट हाउस बुक किया हुआ है जिसका नाम है मुलुक होम स्टे। तो अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और होम स्टे में जाते हैं एंड लेट अस एक्सप्लोर के ये मानीला जो हिल स्टेशन है ये कैसी जगह है। सो वी हैव फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन फॉर द डे, इट इज मुलुक होम स्टे इन मानीला। सो द ऑल्टीट्यूड एट दिस प्लेस इज 1765 मीटर्स एंड दैट इज आवर होम स्टे राइट देयर। थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, गाड़ी हम लोगों को ऊपर ही पार्क करनी पड़ी। इन द इवनिंग एंड हियर वी आर इन आवर रूम। सो इट्स अ होम स्टे एंड इट्स अ वेरी नाइसली मेंटेन्ड, आई वुड से इट्स वेरी क्लीन एंड यू गेट द एंटायर रस्टिक विलेज लाइफ। So we have something for us here. I think, what have you got? Buransh ka juice. Okay, that's something that we've been looking for aur hum logo ko bhi milega. Bhaiya hamare liye le aaye hain Buransh ka juice. So hum finally hain Manila mein aur yahan pe do temples hain. Ek Talla Manila aur ek Malla Manila. To jo Malla means दैट इज समथिंग एट हाइट, तो ऊंचे पे जो होता है, और तल्ला मतलब तराई या तल से कहते हैं जो नीचे पे है। तो आज हम जा रहे हैं तल्ला मनीला विच इज द बिगर टेम्पल, ऑल दो इट इज नॉट द शक्ति पीठ, पर काफी लोग सिर्फ इसी को देखने आते हैं क्योंकि काफी बड़ा टेम्पल है हमने सुना है। आज जाके देखते हैं कि कैसा है और कल हम सुबह दूसरे टेम्पल पे भी जाएंगे विच इज द शक्ति पीठ। सो वी विल बी कवरिंग बोथ द टेम्पल्स, लेट्स सी हाउ द टेम्पल्स आर। तो हमारे होम स्टे से जो मंदिर का रास्ता है वो तकरीबन 5 किलोमीटर और 10 मिनट का दिखा रहा है गूगल के हिसाब से। तो तल्ला मानीला और मल्ला मानीला जो मंदिर है यहाँ पे मानीला में, उन मंदिरों के बीच में ही आपको ज़्यादातर जो स्टे ऑप्शंस हैं वो मिल जाएंगे। मंदिर तक जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में काफ़ी घना एक जंगल आता है और आइसोलेटेड एक रोड आती है। हालांकि ये जो रोड है ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, कोई गड्ढे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं है, तो किसी भी गाड़ी में आ सकते हैं, कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस की उस तरीके से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। काफ़ी खूबसूरत रास्ता है जो कि दोनों मंदिरों को आपस में कनेक्ट करता है। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर और ये है मंदिर की सीढ़ियां। चलते हैं और देखते हैं, लग तो ऐसा रहा है कि शायद पूरा मंदिर खाली है। तो यहाँ मंदिर में है काफी सारी घंटियां और हम लोग इनको बजा रहे हैं। मुझे लग रहा है मंदिर सिर्फ हमारे लिए ही है आज, कोई और है ही नहीं। तो हम आ गए हैं मानीला देवी मंदिर में और यहाँ पे हम मंदिर के प्रांगण में है। काफ़ी पीसफुल सा है क्योंकि पेड़ों की आवाज़ ऐसे लग रही है कि जैसे कोई पानी आसपास कोई वाटर बॉडी हो, पर एक्चुअली ये पेड़ों के पत्ते हैं जिनसे आवाज़ आ रही है। काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पर, जैसे हनुमान जी का और अलग अलग भगवानों के मंदिर है। देखते हैं कैसे है। मेन मंदिर मुझे लग रहा है शायद सामने है, लेट्स गो एंड सी हाउ। तो हम हैं अभी मानीला देवी माता के मंदिर में तल्ला मानीला और आज भीड़ नहीं है, होली का दिन है एंड इफ यू कैन सी इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पल। मैं यहाँ पे आया था तकरीबन 10 साल पहले और तब से लेके अब तक यहाँ पे काफ़ी बदलाव हो चुके हैं, लेकिन ये जो दो छोटे छोटे यहाँ पे मंदिर दिख रहे हैं ये कॉमन है, ये 10 साल पहले भी यहाँ पे थे। उसके अलावा
इन मंदिरों के साथ में यहाँ पे है यज्ञशाला, और यज्ञशाला के बाद ये है मेन मंदिर। पंडित जी से मैंने पूछा कि क्या मैं कैमरा में कैप्चर कर सकता हूँ, सो ही अलाउड कि यस आई कैन कैप्चर इट इन द कैमरा। सो दिस इज द मेन सैंक्टम ऑफ द टेम्पल। इस मंदिर की एक बात जो बहुत ही अच्छी लगी मुझे वो ये है कि यहाँ पे एक हॉल बनाया हुआ है जहाँ पे उत्तराखंड के सारे जो लोकल डेटीज हैं उनका समूह है पूरा का पूरा, और हम देख सकते हैं उनके बारे में, पढ़ सकते हैं। कई बार हम जाते हैं और हम लोग को पता नहीं होता उनके बारे में, जब हम उत्तराखंड में ट्रैवल करते हैं, हम काफ़ी ट्रैवल करते हैं उत्तराखंड में। सो दिस आई रियली लाइक कि मैंने उनके बारे में, काफ़ी सारे देवताओं के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। तो यहाँ पे इस हॉल के अंदर आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दिखाते हैं, काफ़ी सारे भगवानों के बारे में लिखा हुआ है, उनके सारे लोकल डेटीज के दिखाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हैं ग्वेल देवता, उसके बाद नरसिंह देवता, सैम देवता, श्री वधाण देवता, श्री कृष्ण गोपी, उसके बाद मेन बीच में है श्री बद्रीनाथ मंदिर, उसके बाद नगार्जुन देवता, नागराज देवता, नवग्रह देवता मंदिर, गायत्री माता मंदिर, वडू सजयपाल देवता, महारानी जिया, धामदौ देवता, भ्रमदौ देवता और क्षेत्रपाल देवता। इसके अलावा यहाँ पे शिवलिंग भी है, जैसे कि ज़्यादातर मंदिरों में होता है। एंड हियर इट इज। तो काफ़ी पीसफुल सा मंदिर है, पक्षियों की आवाज़ आ रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है। कभी इस तरफ अगर आना हो जिम कॉर्बेट साइड, तो ज़्यादा वहाँ से समय नहीं लगता, केवल 2-3 घंटे का समय निकाल के यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। रादर देन गोइंग टू रिपीटेडली गोइंग टू हिल स्टेशन लाइक मसूरी, नैनीताल, मनाली, शिमला ऑल द टाइम, दीज प्लेसेज शुड ऑल्सो बी एक्सप्लोर्ड। काफ़ी सुंदर मंदिर है, काफ़ी पीसफुल मंदिर है अभी से। और पंडित जी से हमने पूछा यहाँ की कहानी क्या है, तो उन्होंने बताया कि जो माता है यहाँ पे विराजमान, उनकी एक बारी किसी चोर ने चोरी करने की कोशिश करी। बेसिकली हम पूछ रहे थे उनसे कि यहाँ दो मंदिर क्यों हैं एक ही माता के, तो उन्होंने बताया कि चोर था जो चोरी करने आया, उसने माता की मूर्ति उठाने की कोशिश करी तो वो उठा नहीं पाया, उनका एक हाथ वो निकाल पाया और वो हाथ लेकर भागा। तो जैसे कि अब तो हम रोड से 1 मिनट में या 2 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट में आ जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उस टाइम पे पैदल चल के जंगल में जो दूसरा जो चोर था वो गया, और जहाँ उसने रखा वो हाथ, जो कि दूसरा मंदिर है जो कि है मल्ला मानीला मंदिर जो है, वहाँ पर उनका हाथ है देवी, इसीलिए दो मंदिर हैं। तो यहाँ पे देवी की जो बाकी की मूर्ति है वो है और हाथ दूसरे मंदिर में, इसीलिए दो शक्तिपीठ है और आधी शक्तिपीठ जिसे कहते हैं माता की, मतलब मूर्ति जो मेन पूरा जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसीलिए आपको अगर आना है तो आपको दोनों मंदिर देखने चाहिए आइडियली, क्योंकि तभी आपका मंदिर कंप्लीट माना जाएगा, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। और पंडित जी भी यही कह रहे थे कि आपको दोनों मंदिर में जाना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं प्रांगण में ही, क्योंकि हम लोगों ने सोचा जब हम यहाँ आए हैं तो आज की आरती पे अटेंड करके जाएं। तो देखते हैं, आरती लेते हैं, इंजॉय करते हैं, यहाँ बैठे हैं, शांत है काफ़ी, मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, सामने पूरा ऐसे फॉरेस्ट एरिया दिख रहा है। और अभी उन्होंने ये भी बताया पंडित जी ने कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये मंदिर, और यहाँ पे अलग अलग टाइम पे फेस्टिवल होता है, मतलब मेला भरते हैं जैसे कहते हैं कि, अभी उन्होंने बताया जैसे नवरात्रि आएंगे या फिर आपका और भी कोई फेस्टिवल आता है तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा, काफ़ी शोर शराबा होता है, काफ़ी धूम धड़ाका होता है, काफ़ी लोग आते हैं। आज एक स्पेशल डे है कि खाली है, और हम लोग लकी इनफ है कि हमें खाली एकदम शांत मंदिर देखने को मिला, और तो इट इज़ गुड एक्चुअली, वी एंजॉयिंग दिस पीसफुल टाइम हियर। तो मंदिर के बाहर ही एक यहाँ पे मानीला इको पार्क भी बनाया हुआ है, और यहाँ से एक रास्ता आगे जा रहा है, सो लेट्स सी वेयर दिस वे लीड्स टू मानीला इको पार्क। सो दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रेल विच इज लीडिंग टू समवेयर, आई एम नॉट श्योर वेयर। वैसा उस तरीके का इको पार्क तो ये नहीं लग रहा जैसा एक इको पार्क धनौल्टी में भी है। सो यस, इट्स काइंड ऑफ अ स्मॉल ट्रैक, मंदिर के साथ साथ रास्ता चल रहा है, लेफ्ट साइड में मंदिर है और यहाँ पे ये रास्ता साथ साथ चल रहा है। इको पार्क से व्यू काफ़ी अच्छा है, नीचे पूरी वैली नज़र आ रही है और सामने बुरांश का पेड़ भी नज़र आ रहा है, इनफैक्ट दो पेड़ नज़र आ रहे हैं बुरांश के।
एंड दिस इज द इको पार्क। हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चीज़ें बन तो जाती हैं, यहाँ पे पार्क बना तो दिया लेकिन फिर मेंटेन नहीं हो पाती। सो एज यू कैन सी, कहीं पे बेंच का कोई टुकड़ा टूटा हुआ पड़ा हुआ है, झूले भी आधे टूटे हुए हैं, मेंटेनेंस नहीं है। इतनी अच्छी जगह है, पीसफुल जगह है, बस मेंटेन ही तो करना था, इक्विपमेंट्स भी लग गए थे। बट एनी वे, इट्स नॉट वेरी वेल मेंटेन्ड, बट इफ़ यू वॉन्ट टू कम यू कैन कम, क्योंकि कुछ झूले हैं इंटैक्ट, जैसे दिस वन इज फाइन और सामने स्लाइड इज ऑल्सो लुकिंग फाइन, थोड़ा टेढ़ा है हालांकि, और यहाँ पे कुछ बेंचेस वगैरह लगी हुई हैं। सो लेट्स गो बैक टू द टेम्पल। आरती का समय हो रहा है, इट्स 6:10 इन द इवनिंग राइट नाउ, और 6:15 की आरती है। लेट्स अटेंड द आरती। यहाँ पे ये लोग बॉनफायर का मजा ले रहे हैं, ऊपर इतने सारे तारे दिख रहे हैं कि ऑल्दो फोन में कैप्चर नहीं हो सकते हैं, बट इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस हियर इज द मून। और दूर वहां पे छोटे छोटे गांव के टिमटिमाती हुई लाइटें। सो 8 PM इन द इवनिंग, वेटिंग फॉर आवर डिनर एंड दे हैव अरेंज्ड अ बॉनफायर फॉर अस। This is our guest house. यहाँ पे काफी अच्छे तारे दिख रहे हैं, although I tried to capture it from my camera, but we could not see it. But yes, the bonfire is good here, and it's quite peaceful. बिल्कुल कोई किसी तरीके की आवाज नहीं है, like nothing. इसको छोड़ के So 6:30 in the morning and we already have this beautiful sunrise right in front of us. बहुत ही सुंदर जगह है, इतनी सारी आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी, आई थिंक यू कैन स्टिल हियर सम। बहुत ही सारे पक्षी है यहाँ पे और इतने प्यारी प्यारी आवाज़ें थी अलग अलग। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस फॉर स्पेशली बर्ड वॉचिंग, इट्स वेरी नाइस। और आज हम लोग जाएंगे जो हमारा एक मंदिर रह गया था वहाँ पे, और बाकी देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर पाएंगे आज के दिन। पर यहाँ पे अभी तो मुझे चिड़ियों की आवाज़ बहुत ही फैसिनेटिंग लग रही है। आई विश आई कुड टेल विच ऑल बर्ड्स आर हियर बाय देयर साउंड्स। सो वी हैव आवर ब्रेकफास्ट रेडी, गॉट सम पोहा, दही एंड पराठा। Gaurav has already started eating. How is the food, Gaurav? It's good. So time to leave from Manila Devi, जहाँ पे हमने अपना होमस्टे कराया था, मुलुक होमस्टे। काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट भैया ने दिया, खाना भी बहुत अच्छा है, रूम भी बहुत बढ़िया था, टोटली वर्थ इट। सो नाउ इज़ द टाइम टू गो टू मल्ला मानीला टेम्पल, वहाँ पे दर्शन करेंगे और फिर आगे जाएंगे दीबा डांडा। तो मल्ला मानीला और तल्ला मानीला मंदिर के बीच का जो रास्ता है वो तकरीबन 8 किलोमीटर का है, तो रोड ओवरऑल अच्छी है, लेकिन ये वाला जो मंदिर है जो हम जा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा रोड से ऊपर जाना पड़ेगा। तो होटल वाले भैया ने हमें बताया था कि वहाँ पे जाने के लिए थोड़ा सा ऑफ रोड है, तो थोड़ा सा ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसा रास्ता है जो कि रोड से अलग हट के ऊपर मंदिर की तरफ जाता है। तो मल्ला मानीला के लिए ऊपर जो ये रास्ता कट रहा है इस पे थोड़े गड्ढे हैं, रोड भी पतली है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अपनी गाड़ी का RPM ना टूटने दें। एक बार ही अगर आपकी गाड़ी ने मोमेंटम पकड़ लिया है तो उस मोमेंटम को बनाए रखें, बीच में ब्रेक ना लगाएं। तो इंश्योर करें कि मंदिर तक पहुंचने तक गाड़ी आपकी मोमेंटम में बनी रहे, क्योंकि काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, नीचे ग्रेवल है, टर्मैक नहीं है और कुछ गड्ढे भी हैं। तो अपना RPM बनाए रखें और लगातार गाड़ी को ऊपर चढ़ाते रहें। तो सुबह के 8:50 हम लोग पहुंच गए हैं मल्ला मानीला मंदिर। केवल 10 मिनट लगे अपने गेस्ट हाउस से यहाँ तक आने में। हमारे जो गेस्ट हाउस है मुलुक होमस्टे, वो तल्ला मानीला और मल्ला मानीला के बीच में है बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। सो दिस इज़ द टेम्पल, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर हाउ इट इज़।
तो ये है मल्ला मानीला, और जैसे यहाँ पे लिखा है शक्ति पीठ मल्ली मानीला। तो तल्ला मानीला जो है वो उसकी हाइट थोड़ी सी कम है, ऑल्टीट्यूड कम है, ये मल्ला मानीला है तो थोड़ा हाइट इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। यस, सो द ऑल्टीट्यूड एट दिस मोमेंट इज 1875 meters, तो तकरीबन 100-200 मीटर ऊंचा है मल्ला मानीला मंदिर तल्ला मानीला मंदिर से। जब हम कल शाम को तल्ला मानीला मंदिर गए थे तो वहाँ पे भी हमारे अलावा कोई नहीं था, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी हमारे अलावा कोई नहीं है। ऑलमोस्ट 9 o'clock इन द मॉर्निंग एंड देयर इज नो वन हियर एक्सेप्ट अस। जय माँ मानीला देवी। सो दिस इज हाउ द कॉम्प्लेक्स ऑफ द टेम्पल लुक्स लाइक। काफ़ी सुंदर मंदिर है और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। यहाँ पे लिखा है कि मंदिर के अंदर फोटो और वीडियो बनाना निषेध है, तो मैं अंदर जाके वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट दिस इज हाउ द कॉम्प्लेक्स एक्चुअली लुक्स लाइक। तो माँ मानीला के मंदिर के अंदर ही सरस्वती माता का मंदिर भी है और गणपति का मंदिर भी है, और ये है यज्ञशाला। यज्ञशाला यहाँ पे मैंने देखा है कि हर मंदिर में होती है, तो तल्ला मानीला मंदिर में भी यज्ञशाला थी और यहाँ पे भी एक यज्ञशाला है। और ये है सामने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर और शनिदेव का मंदिर। तो अभी 9 बज रहे हैं और हम लोग मल्ला मानीला मंदिर आ गए हैं और हम लोग ने अपना दर्शन कर लिए, तो फाइनली हमारे दोनों शक्ति पीठ जिसे कहते हैं वो हो गए हैं, कंप्लीट हो गया हमारा दर्शन दोनों तरफ से। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है, इट्स नॉट रीसेंट कंस्ट्रक्शन, इट्स अराउंड 700 years old। काफ़ी छोटा सा मंदिर है, ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रैंड सा है, बट इट्स वेरी पीसफुल। सो मंदिर में इसीलिए आते हैं कि पीस के लिए, तो हम यहाँ पे आए हैं। हम लोग ने आप सबके लिए भी बोला है कि भगवान सबका भला करे, देर शुड बी पीस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंड विद दैट मैसेज वी आर हेडिंग ओवर टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे, दैट इज दीबा खान। सो लेट्स सी हाउ इट इज। तो माता के मंदिर में यहाँ पे जो आरती है वो ग्रीष्मकालीन में जो आरती होती है वो होती है सुबह 6 बजे, और शाम की जो आरती है वो होती है 7 बजे, और शीतकालीन में जो आरती है वो सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे। तो मैं इस मंदिर में तकरीबन 10-11 साल पहले आया था, और ये जो स्ट्रक्चर है जो मंदिर में घुसने के बाद नज़र आता है, ये स्ट्रक्चर तब भी था और बिल्कुल वैसे ही था। सो लेट्स गो। जय माँ मानीला। तो ये था बहुत ही सुंदर मानीला हिल स्टेशन जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, और अगले वीलॉग में हम लोग कवर करेंगे दीबा माता का मंदिर जिसकी एक छोटी सी ट्रैक भी है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।